हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि टीवी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है अगर इसके ड्राइवर सेक्शन में, ठीक है, बैकलाइट के जो ड्राइवर सेक्शन होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो फिर आपके पास क्या विकल्प है, आप क्या करेंगे। अगर मानते हैं कि इन्वर्टर किट, जिसको आपको कोई कोई बैकलाइट ड्राइवर बोलते हैं, कोई कोई इन्वर्टर किट बोलते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जब कोई भी उपाय नहीं लगे, ठीक है, तो मैं एक सिंपल उपाय बताता हूँ कि एक एलईडी बॉल, ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो आपको कोई भी एक एलईडी बॉल लेना है जो वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है, और उसी के ड्राइवर से, ठीक है, ये जो बैकलाइट के लिए सप्लाई किया हुआ है उसी में आपको कनेक्शन दे देना है। आपको मैं बता दूँ, दो टाइप की बैकलाइट यूज होती हैं। लोकल अगर एलईडी टीवी है तो उसमें 12 वोल्ट की बैकलाइट यूज होगी, ठीक है, और ये जो है नॉर्मल 70 से 100 वोल्ट वाले बैकलाइट के लिए, जो भी ब्रांडेड टीवी है उसमें से नॉर्मल 70 से 100 वोल्ट के आसपास की बैकलाइट यूज होती है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, एक एलईडी बॉल का ड्राइवर लेना है, जो भी बॉल मतलब कि वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है, उसको खोल लेना है आपको, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ बॉल्ब चला के कि बॉल्ब सही है या नहीं, ठीक है। ये बॉल्ब बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और मात्र 9 वाट का ही बॉल्ब है, ठीक है। आपके पास जो भी है वो लगा सकते हैं, 7 वाट, 5 वाट, कोई भी लगा सकते हैं आप। देखिए, इसमें से आप जो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको बस इसी में एक तार में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। आप अगर चाहें तो इसका किट जो है इसको बाहर निकाल के भी आप इसमें कहीं लगा सकते हैं। मैं बस टेस्टिंग के लिए लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ यहाँ से कनेक्शन करके दिखा दूंगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि इसको खोल के ड्राइवर ही कहीं चिपका देना है आपको, और उसको डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई जहाँ आ रही है आपके टीवी में, यहाँ से आपको सप्लाई लेके दे देना है, ठीक है। आपका एकदम आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें रेड वाला प्लस है और इधर से जो गया है व्हाइट वाला प्लस है, बैक लाइट में जो गया है, ठीक है। तो ये दोनों का अच्छे से कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो मैंने हल्का ज्वाइंट किया है, बस बस टेस्ट करना है हमको। इसीलिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको टीवी में लगा के छोड़ना हो तो आप मजबूत ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखिए, क्लियर हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें सप्लाई दूंगा, ठीक है, सप्लाई देते ही आप देख पा रहे हैं ये सभी होल से आपको लाइट दिखना शुरू हो गया, ठीक है। मैं एक बार ऑफ कर रहा हूँ सप्लाई, आप गौर करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, अभी मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। तो आपका बैक लाइट जो है वो जलने लगा, ठीक है। इधर से उतना अच्छा से नहीं दिख पाएगा आपको इस पोर्शन में, फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं अभी सप्लाई ऑलरेडी, फ़ोन का जो है कैमरे का फ्लैश ऑन है इसलिए और पता नहीं चला। देखिए, मैं अभी स्विच ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्विच ऑफ किया मैंने और स्विच ऑन, ठीक है। अब मैं टीवी को ऑन कर रहा हूँ, टीवी में सप्लाई मैंने दे दिया, ठीक है। तो टीवी में बहुत और भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन मैं सिर्फ बैक लाइट के बारे में भी जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। जब टीवी ऑन होगा तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग मिल रहा है देखने के लिए, ठीक है। इसका मतलब टीवी ऑन हो चुका है, बैक लाइट प्रॉपर वर्क कर रहा है, तभी ये सब मुझे दिख पा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके काफ़ी ज़्यादा काम लायक कभी कभी साबित हो सकता है, क्योंकि जब ड्राइवर नहीं मिलता है तो समझ नहीं आता इन्वर्टर कितने मिलता है, समझ नहीं आता है इसको कैसे ठीक करें, ठीक है। तो आप मात्र एक एलईडी बॉल की हेल्प से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन या सुझाव हो तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो जाए लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।